धारीवाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, नमस्कार। जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं ओपीएस को वापस लाने की, वो तैयारियां कैसी हैं और कितना दम आपको उनमें लगता है? देखिए, अब तो हम अपने जो हमारा आंदोलन है जी, और जो मांग है उसके अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं जी। आप देख ही रहे होंगे पिछले 1-1.5 साल से लगातार हमारा आंदोलन बढ़ता जा रहा है। लगातार कर्मचारी हो, चाहे आम जनमानस हो, चाहे युवा साथी हो, सबके बीच में इसकी जागरूकता बढ़ती है। और पहले जब 2018 में हमने आंदोलन शुरू किया, सबसे पहला हमारा जो पड़ाव था वो यही था कि सभी साथियों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। उनके साथ जो शोषण किया जा रहा है सरकार द्वारा नई पेंशन योजना में, उस शोषण को आम जनता के बीच में लाए, उसको लेकर हमने लगातार जन जागरूकता हमारे प्रोग्राम भी किए। 18 में भी बड़ी रैलियां की, 19 में भी लगातार हम इस के लिए प्रयास करते रहे। अभी पीछे हमने हमारी जो ओपीएस संकल्प साइकिल यात्रा थी वो तमाम जिलों से होकर गुजरी, जिसमें आम जनमानस से बिल्कुल आगे बढ़कर इस हमारी मुहिम का हिस्सा बनने के लिए आया। चाहे उसमें हमारे सामाजिक संगठन है, चाहे किसान संगठन है, चाहे मजदूर संगठन है, चाहे युवा संगठन है, चाहे छात्र संगठन है, सभी से हमारे आंदोलन के साथ जुड़े। अब दूसरा पड़ाव हमारा है कि अब सरकार को किस तरह से इसके लिए मना, तो उसके लिए हम दबाव की नीति काम करती है। लोकतंत्र ने हमें यही अधिकार दिया है कि हम इसके लिए धरना करें, प्रदर्शन करें, बड़ी रैलियां करें, तो उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा जो आगामी कार्यक्रम है 1 अक्टूबर की दिल्ली रैली, पेंशन शंखनाद रैली हम दिल्ली में करने जा रहे हैं, उसका एक बड़ा रीजन है। उसका रीजन ये है कि सरकार बार बार बोलती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में हम करना भी चाहें तो सेंटर के बिना नहीं कर सकते। हालांकि आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 309 के तहत स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है कि भी वो सेंटर से इसकी परमिशन ले। आर्टिकल 309 इनको इजाजत देता है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पेंशन वेतन भत्तों का निर्धारण वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं। और उसी आर्टिकल का हवाला देते हुए हमारे जो 5 राज्य हैं, चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और अभी हिमाचल प्रदेश, उनमें पुरानी पेंशन बहाल की जा सकती। लेकिन फिर भी जो इन्होंने कहा, हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी 1 अक्टूबर की दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करेंगे। लगभग वहां पर 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी जुटेंगे। पहले भी हमने एक रैली की थी, 18 में भी रैली की, 19 में भी, तब भी हमारे 7 से 8 लाख कर्मचारी वहां जुटे थे। और इस बार हमारा टारगेट और बड़ा है कि 10 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को वहां जुटा। धारीवाल जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगा कि जब अनुच्छेद बनाए गए हैं, संविधान में उनको शक्तियां दी गई हैं, तो उसके बावजूद भी जो प्रदेश सतर की सरकारें हैं वो कैसे इसको डिनाई कर सकती हैं, कैसे इसको मना कर सकती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के अंदर संविधान ने अधिकार तो ये दिया था कि जो कर्मचारी है उसका जो आज जीवन स्तर है, क्योंकि वो सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सरकार की रीढ़ होते हैं, सरकार के दोनों हाथ होते हैं। कर्मचारियों के बिना सरकार अपनी नीतियों को आम जन तक पहुंचा नहीं सकती। और उनको ये अधिकार दिया था संविधान ने कि जिस तरह से उनकी आज सेवा काल के दौरान जीवन स्तर है, वो बुढ़ापे में भी ज्यों का त्यों बना रहे, इसलिए पुरानी पेंशन का उनको अधिकार मिला। और जब हमारा देश प्रदेश आजाद हुआ, उस समय आप देखिए उस समय की वित्तीय स्थिति क्या हुआ करती थी सरकार, उस कमजोर वित्तीय स्थिति के बावजूद भी सरकारें हमें पेंशन दिया करती। बिल्कुल, आज सरकार दावा करती है, प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं, फिर उनके बाद मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि आज हमारी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं चंद दिनों में। तो आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा, तो इसके खिलाफ जो हमारा ये प्रदर्शन है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसको बहाल करे। दूसरी बात जो आपने कहा कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना क्यों नहीं कर रही जब इनके पास अधिकार है, बिल्कुल इनके पास अधिकार है, लेकिन ये अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति या अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में इस मुद्दे को अभी तक डिनाई किया। सर, तख्तियों पे लिखा पड़ा है कि जो मंत्री हैं या MLA हैं या जो सांसद हैं उनको पुरानी पेंशन मिल रही है और आप लोगों के लिए नई पेंशन का प्रावधान है, ये कैसे? देखिए, जब आजादी देश आजाद होने के बाद हमारी पहली सरकार, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जो प्रधानमंत्री बने पहले, उसके बाद चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, चाहे इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कभी भी विधायकों सांसदों की पेंशन की पैरवी नहीं की, उन्होंने अपने लिए पेंशन का प्रावधान नहीं किया। लेकिन जो जो दौर समय बढ़ता गया, राजनीति व्यवसाय बढ़ता गया,
लोकतंत्र से अब राजनीति व्यवसाय बन गया। अब बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े धनवान जो लोग हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, जिनके पास अरबों रुपए हैं, बड़े व्यापारी हैं, अब वो राजनीति में घुसना शुरू हो। तो राजनीति पहले सेवा का माध्यम हुआ करती थी, अब व्यवसाय हो गया। और उस इसी वजह से उन्होंने अपने लिए तो कई कई पेंशनों का प्रावधान कर लिया। विधायकों की देख लीजिए, हर बार की अलग पेंशन, एक दिन की सदस्यता के बाद पेंशन, कर्मचारी तो 30 से 35 साल सेवा करता है उसके बाद पेंशन नहीं। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था की सोच हमारे दिमाग में बैठा कर इन्होंने जो खुद के दिमाग में बैठा ली और ये सोच बना ली कि राजनीति में आना है, अपना और अपने परिवार और अपने भाईचारे का भला करना है, आम जनमानस से उनको कोई आज उन कोई सरोकार उनका नहीं बच गया, इस वजह से शायद उन्होंने अपने लिए। तो सर, जैसे चुनाव सर पर है आपकी बार और आम आदमी के पास, जनता के पास वोट की चोट का अधिकार है जी, तो कैसे वोट की चोट दी जाएगी? क्या अब की बार सत्ता पक्ष के लोगों को वोट नहीं दिया जाएगा? देखिए, हम तो पहले दिन से एक नारा लेकर चल रहे हैं, ये संकल्प साइकिल यात्रा में भी हमारा ये नारा था, आपने सुना भी होगा उस समय, कि वोट फॉर ऑफिस। आम जनता के बीच में हम लेकर गए कि गरीब मजदूर किसान के जो बच्चे, जिनको हमारे माँ बापों ने पेट काट काट कर इतनी महंगी फीस भर भर के इस लायक बनाया कि वो कई तरह के एग्जाम पास करने के बाद सरकारी सेवा में आए, तो अगर उनकी पेंशन नहीं दी जाती तो हमने आम जनमानस से भी अनुरोध किया है कि आप अपने बच्चों के लिए इस बार हमें, हमारे कहने पर वोट दीजिए, जो सरकार हमारी बात नहीं मानती उसके खिलाफ वोट कीजिए। इसलिए हमने शुरू की मुहिम वोट फॉर ओपनेस की, जो हमारी हिमाचल प्रदेश में भी कारगर हुई है, कर्नाटका में भी कारगर हुई है, अन्य अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और प्रदेशों में भी ये मुहिम हमने शुरू कर रखी है। हरियाणा में तो हम इसको लेकर ग्राउंड लेवल पर उतर चुके हैं, खुद वर्क कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गांव और वार्ड स्तर पर हम अपनी टीमें तैयार कर रहे हैं, वहां पर जो आम जनता के बीच में इस मुहिम को लेकर जाएगी, जो लगातार इसका प्रचार है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को स्पष्ट संदेश है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करे, क्योंकि हमारा नारा भी है जो पेंशन बहाल करेगा वो देश के राज। अगर पेंशन बहाल नहीं करती, निश्चित तौर मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, इस बार जैसे ही आचार संहिता लगेगी हम एक बड़ी मीटिंग करके खुले तौर पर यह घोषणा करने का काम करेंगे कि जो पार्टी हमें विश्वास दिलाएगी कि वो पहली कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन बहाल कर देती है, हम उसको वोट देंगे। सर, 2003 में मसौदा तैयार किया गया, 2004 में जो है इस ओपीएस को बंद कर दिया गया और 2005 की शुरुआत में एनपीएस को लाया गया जी। तो एनपीएस ओपीएस इनमें थोड़ा सा फर्क समझाइए ताकि आम पब्लिक भी इसको जान सके और आप लोगों के साथ वोट की चोट का अधिकार रखने के लिए लड़ सके। देखिए, जो हमारी पुरानी पेंशन नीति थी जिसकी हम मांग कर रहे हैं जी, उसमें सीधा और स्पष्ट सरकारों ने नियम बना रखा था कि जब एक कर्मचारी 30 से 35 साल की अपनी सेवा काल पूरी करता है, वो सेवानिवृत्त होता है, रिटायर होता है, तो उस समय उसका जो वेतन होगा, मूल वेतन, बेसिक सैलरी जिसको हम बोलते हैं, उस मूल वेतन का 50% यानी कि आधी उसको पेंशन के तौर पर दी जाए। उसके साथ उसे जो महंगाई भत्ता हर 6 महीने बाद सरकार द्वारा दिया जाता है वो मिलेगा और एक मेडिकल की सुविधा उनको। ये तो थे हमारे ओपीएस के मोटे मोटे लाभ हैं। उसके साथ अगर अब नई पेंशन योजना की बात करते हैं, नई पेंशन योजना पूरी तरह बाजार आधारित योजना, उसमें हमारे वेतन का 10% काटा जाता है और सरकार पहले 10% ही दिया करती थी जिसको अब बढ़ाकर 14%, यानी कि हमारे वेतन का कुल 14% काटकर उसको NSDL के माध्यम से शेयर बाजार के अंदर निवेश किया जाता है, मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है। अब आप खुद सोचिए, जो हमारा पैसा काटा जाए वो आपके पास या छोटे दुकानदारों के पास तो निवेश नहीं होगा, निवेश होगा तो बड़े पूंजीपतियों के पास होगा या जो सरकार के सहयोगी हैं, उनके मित्र हैं, जिनका आजकल जिक्र किया जाता है, अदानी है, अंबानी है, मैं खुले तौर पर बोल ही देता हूँ, तो उनके पास वो पैसा निवेश किया। लेकिन उस पॉलिसी में एक सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक जो है उस पॉलिसी का, वो ये है जो पैसा जमा किया गया उसकी वापसी की सरकार ने कोई गारंटी नहीं। अगर वो पैसा डूब जाता है या वो पूंजीपति देने से मना कर देता है तो सरकार के पास कोई राइट नहीं है कि उस पैसे को दे, ना कर्मचारियों के पास कोई राइट है कि वो उसको उस पैसे की वापसी की मांग कर सके, ना वो उसके लिए कानूनी तौर पर हाई कोर्ट या कोर्ट कानूनी
कोई कानूनी प्रतिक्रिया उस पर दर्ज नहीं कराई जाए। और जिस तरह पुरानी पेंशन में मैंने बताया कि फिक्स पेंशन का प्रावधान है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब हम रिटायर होंगे, अगर हमारा कुछ पैसा बच भी जाता है तो उसका 60% हमें दे दिया जाएगा अपने सरचार्जेज वगैरह काटकर, और जो 40% बचेगा उसका एक एन्यूटी प्लान जिसको हम पेंशन पॉलिसी बोलते हैं, वो किसी भी ICICI बैंक लगा लो, चाहे HDFC लगा लो, चाहे SBI लगा लो, चाहे LIC लगा लो, जो भी फर्म है जो पेंशन प्लान बेचती है, वो पेंशन प्लान हमें रिटायरमेंट के बाद खरीद कर दिया जाए, और जिसमें उस पैसे का केवल 5-6% ब्याज मात्र ही पेंशन के तौर पर दिया जाता है, तो इसको तो हम पेंशन प्लान बोल ही नहीं, इसमें तो पेंशन वर्ड डाल दिया। मैं पहले दिन से कहता हूँ ये पेंशन पॉलिसी है ही नहीं, ये तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये तो मनी मैनेजमेंट प्लान है, ये तो हमारे पैसे को बाजार में निवेश करते हैं, अगर वापिस आ जाता है तो ठीक, नहीं आ जाता तो पूंजीपतियों का। तो मैं सीधे तौर पर यह बात कह सकते हैं कि केवल और केवल बड़े पूंजीपति लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए, सरकारी महकमों को खत्म करने के लिए, जो सबसे बड़ी अड़चन पहले थी ओल्ड पेंशन थी, उसको हटाने का काम। धारीवाल जी, मानसिक तनाव आप लोग झेल रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई क्या प्रभावित नहीं होगी? देखिए, हम पहले दिन से कहते हैं कि कर्मचारी बहुत ईमानदारी से अपना काम करें, हमने आज तक चाहे धरना दिया है चाहे प्रदर्शन अगर वो किए हैं, तो हमने कोशिश की है कि जो बच्चे आज हमारे हमारे पास पढ़ते, जो आम जनता के हम काम करते हैं, चाहे हमारे बिजली विभाग के साथी हो, चाहे रोडवेज के हो, चाहे हेल्थ विभाग के, अन्य जितने विभाग हैं हमारे, PWD है, पब्लिक हेल्थ, सभी विभागों के साथी, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से जनता के काम प्रभावित ना हो, हम पहले उनके काम को करके और फिर अपनी मांग को मजबूती से उठाने का काम। लेकिन जब सरकार तानाशाही पर उतर आती है, जब सरकार हमारी मांग को नहीं मानती, सरकार हमारे मुद्दे को नहीं समझती, तो हमारी मजबूरी है कि हमें कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं, चाहे स्ट्राइक का कदम है, चाहे विभाग बंद करने का है, चाहे कलम छोड़ हड़ताल का है, चाहे बड़ी रैलियों का है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत जो प्रभावित होता है, लेकिन प्रभावित भी हमारा ही परिवार है आम जनता के बीच में। और आज OPS के मुद्दे पर मैं, मुझे बड़ी खुशी है, मैं गर्व से कह सकता हूँ, हरियाणा प्रदेश का आम जनमानस भी जागरूक हो चुका है, वो बिल्कुल मजबूती के साथ हमें कहता है कि आप आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ। तो आमजन के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, आमजन से मैं यही को यही संदेश देना चाहूंगा, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूलों के छात्र हैं जो हमें देख रहे हैं, कि ये आपका भी मुद्दा है। आज आप इतनी मेहनत कर रहे हो एक उम्मीद के साथ कि कल हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, तो आपके लिए भी ये बहुत बड़ी अड़चन आने वाली है, आपका बहुत बड़ा ये शोषण NPS के माध्यम से किया जाने वाला है। तो क्यों ना आज जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति इस मुद्दे को उठाए हुए है और आज अंतिम पड़ाव की तरफ लेकर बढ़ रही है, जीत की तरफ जाए हुए, तो आप हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें, ताकि ये जो NPS नाम का कलंक है, हम भविष्य की आने वाली पीढ़ियों से पहले ही खत्म, और वो जो हमारे युवा साथी आगे सरकारी सेवा में आएंगे वो निश्चिंत होकर सरकारी सेवा में अपना ईमानदारी से काम करें और आगे बढ़ें।